इधर इधर अपनी मेहंदी दिखा यार। हम होटल में पहुंचे, होटल में पहुंचते ही हमने चेंज की, मैंने ग्रीन वाला डाला था, मेरी बहन ने ऐसे कंट्रास्ट डाला था, जैसे ऊपर ग्रीन डाला था, नीचे येलो डाला था और चुन्नी रेड थी, और मेरी दूसरी बहन ने डाला था पर्पल कलर का, लाइट पर्पल, मतलब कि लेवेंडर कह सकते हैं, लेवेंडर कलर का पूरा शरारा डाला था। हम गए वहां पे सारे येलो में, हम इधर नेक बने का, और नेक बने का मतलब अलग अलग मेकअप कभी भी डायरेक्ट नहीं। गेटिंग रेडी फॉर व्हाट, मेहंदी एंड हल्दी, बटना इन आवर लैंग्वेज इट इज बटना। ये कैसा लड़का है, टुरुरुरु ईश्वरी का, ये आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ एवरी मैरिज। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। इतनी धुंध और अंदर जाके इतनी ठंड भी नहीं लगी हम, तो हम क्या गए, हमने थोड़ा बहुत खाया, एक दो चीजें खाई, फिर बैठ गए कि लोगों के मेहंदी लग रही है, दीदी के हल्दी हो रही है थोड़ी। इधर इधर अपनी मेहंदी दिखाओ यार। तो भाभी ने भी मेहंदी लगा दी, बट परफॉर्मेंस के बाद लगाई उसने, और ईशु ने भी मेहंदी लगाई, मेरी कजन है। और क्लिप्स नहीं है, वो सबसे फनीएस्ट क्लिप्स थी कि जहां से एंट्री हो रही है और सामने उसके वो है एलिवेटर है, लिफ्ट है, और लिफ्ट के बिल्कुल जस्ट हम सामने, हमें मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, इन सबको पता था, मेरे कजिन्स को, छोटे भाइयों को पता था कि वहां पे लिफ्ट है, हम वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं वहां ऐसे ऐसे करके प्रैक्टिस कर रही हूँ, उनको भी प्रैक्टिस करवा रहे हूँ, और वहां से लिफ्ट खुली, वहां से सामने से पीछे से लोग आए और हम जैसे लाइक स्टैचू बन के खड़े हो गए। चलो ये तो हो गया फनी सा पार्ट, और वो मैं देख रही हूँ पागल हो गए बच्चे, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और किसी को नहीं पता हम साइड पे होके ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर हमें दो दो मिनट बाद फोन आया क्योंकि हम सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे हुए, कोई काम इधर उधर ना, जैसे होता ना कि बड़ों क्योंकि एक साथ रहनी चाहिए, हमारे सामने रहनी चाहिए, दो दो मिनट बाद फोन आ रहे हैं हमें कि कहाँ पे, हम कह रहे बिल्कुल सामने बैठे हैं हम, बस साइड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो जीजू की वेट कर रहे हैं, वो नहा के आए, दीदी भी नहा के आए, फिर उसके बाद हमारी सॉन्ग प्रॉपर चल रहे, पहले तो मैंने सॉन्ग लगाया वो ऑन हो गया, मैंने ना उस पर फ्लाइट मोड नहीं लगाया क्योंकि फ्लाइट मोड लगाते हैं तो फिर नोटिफिकेशन पे ऐसे रुकता नहीं है, मैंने एक बार लगाया वो नोटिफिकेशन आ गई, रुक गया सॉन्ग, मैं अभी जस्ट हम ऐसे पोजिशन पे खड़े हैं, सपोज हम ऐसे पोजिशन पे खड़े हैं और मैंने फोन दे दिया क्योंकि मैंने पूरा एडिट वगैरह किया था सॉन्ग, और एडिट सॉन्ग कर दिया, डीजे वाले को दे दिया कि ये लगा दो, मैंने लगा दिया, बंद एकदम से हम अपनी पोजीशन से आ गए स्टेज पे, मैं भी आ गई वापस डीजे वाले को अपना फोन लेके, और एकदम से एक बस मिली सेकंड, एक दो सेकंड में ऐसे ट्यून बजी, एकदम से बंद हो गई, मैंने कहा ये क्या हो गया, मेरे को लगा शायद बैटरी, और मैंने किसी को ये ऑडियो भी नहीं दी थी, और मैंने कहा हो गया काम। फिर उसके बाद मैं वापस गई नीचे उतर के स्टेज से, और डीजे वाले को बोला, वो कहता है इसकी खराब हो गई है और नोटिफिकेशन आ रही है, तो मैंने कहा चलो फ्लाइट मोड वगैरह जो भी है फटाफट कुछ कर देती हूँ कि हो जाए परफॉर्मेंस, एक तो Oh my God, stress. Songs थे, वो हमने ऐसे डिस्कस किए थे क्योंकि हमने वो प्रैक्टिस नहीं किए थे, जो सबके सिंगल सिंगल थे उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई थी, और जो लास्ट वाले सॉन्ग्स थे उनकी हमने प्रैक्टिस की थी, बट मेरी कजिन कहती है ये अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि हमने सारे जो बिहाइंड द सीन्स थे उसके फोन से बनाए थे, उसने कहा ये अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, हम इसको चेंज करते हैं, एंड द मोमेंट हमने 10
मिनट पहले ही ऐसे खुसर खुसर करके सबके कानों में कि हाँ तुमने राइट से लेफ्ट करना, लेफ्ट से राइट करना, और जो भी हुआ वो आपके सामने है, वीडियो देख लेना जाके और बताना कैसी थी। और हमारी जब हुई परफॉर्मेंस, वी आर प्राउड ऑफ इट। और बाद में हमारे छोटे कजन्स की भी हुई, अगर मेरे को क्लिप्स मिलेगी तो मैं डाल दूंगी, तो देखना, छोटे छोटे क्यूट लग रहे थे और हमने सबने परफॉर्मेंस की कजन्स के साथ, और उनकी तरफ से भी बड़ों ने परफॉर्मेंस दी। उसके बाद आया संगीत का। संगीत में लड़के वाले इस साइड बैठे थे, लड़की वाले इस साइड बैठे थे, और हम बैठ के नीचे। मेरी मदर का और मेरी मासी का एक फेवरेट सॉन्ग है सुरमेदानी, उन्होंने मेरे को बुलाया किसने गाना है, और मैं, मेरे को पता है कि मैं हर वक्त मैं करती हूँ, और मैंने सुरमेदानी गया, ये क्लिप्स है, दीदी ने भी गाना गाया, फिर हमारी ऐसे इधर से गाना गाया, कभी इधर से गाना गाया, फिर हमारे पंजाबी गाने गाए, उनको पंजाबी गाने कुछ समझ नहीं आ रहे थे, और फिर देखो क्लिप्स। क्या कर रही हो, मुझे शर्म आ रही है। बोलो नशे के घूंट पी तो लो, नशे के घूंट पी तो लो, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी आ जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा। चलो नहीं गान पुरा, आज मेरे पिया
या घर आएंगे, आओ आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। Two thousand years later.